ये तस्वीरें नई नवेली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की हैं। ये वंदे भारत ट्रेन कई आधुनिक सुविधाओं से लैस है। आरामदायक स्लीपर कोच, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, बेहद खूबसूरत लाइट्स। इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में 16 कोच लगाए गए हैं। इसमें एसी 3 टीयर के 11 कोच, एसी 2 टीयर के 4 कोच और एसी फर्स्ट के 1 कोच होंगे। वंदे भारत स्लीपर ऑटोमेटिक ट्रेन है जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक जा सकती है। अगले 3 महीने यानी दिसंबर तक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू हो जाएगी। अगर बात करें जैसे हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो कोच में जाने के लिए आप देखिए सेंसर लगा हुआ है। जैसे आप यहाँ पर दिखाते हैं अपना हाथ, ये खुल जाता है दरवाजा। इसके साथ ही जब हम एंट्री करते हैं तो आपको यहाँ पर तमाम तस्वीरें हम दिखाएंगे कि किस तरह से जो तस्वीरें हैं आप देखिए सीट्स किस तरह से यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से आपको बदली हुई नजर आएंगी। ये इस वक्त जो हम कोच की तस्वीर दिखा रहे हैं वो है 3rd AC और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो सीट्स के कलर है वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। आप ये देखिए कि यहाँ पर जो सीट्स के कलर हम आपको दिखाते हैं कि ये लेमन येलो कलर का आपको मिडिल बर्थ दिखाई देगा। इसके साथ ही नीचे का जो बर्थ है वो ग्रे कलर का है। यानी लोगों को अब जो कोचेस के अंदर का कलर है वो काफी ज्यादा बदला हुआ नजर आएगा। आप ये देखिए वॉल पे पोलका डॉट से डिजाइनिंग की गई है और इसके साथ ही आप ये देखिए बेहद खूबसूरती के साथ इस कोच को तैयार किया गया है, वंदे भारत स्लीपर को। इसमें आप देखिए मैगजीन होल्डर है, मोबाइल होल्डर है। इसके साथ ही आप देखिए रीडिंग लाइट्स लगाए गए हैं, 3-पिन जो सॉकेट है वो आपको नजर आएगा, मोबाइल चार्जिंग के लिए, लैपटॉप चार्जिंग के लिए। आप देखिए ऊपर जो मिडिल बर्थ के लिए है ये सुविधाएं दी गई हैं। नीचे भी आपको देखिए इसी तरह की सुविधाएं मिलेंगी। आपको हम ऊपर दिखाते हैं, आप ये देखिए ये स्विचेस हैं लाइट्स के लिए। ऊपर भी आप देखिए जो लाइट्स हैं वो हर बर्थ के लिए है। इसके साथ ही अब आपको हम दिखाते हैं कि जो यात्री इसमें सफर करेंगे उनके लिए क्या क्या बदलाव किए गए। आप ये देखिए कि यहाँ पर जो ट्रे टेबल है उसमें बॉटल होल्डर इसमें इनबिल्ट कर दिया गया है। पहले बॉटल होल्डर नीचे की तरफ होता था लेकिन अब टेबल के साथ ही बॉटल होल्डर मिलेगा। अब इसके साथ ही आगे जैसे बढ़ते हैं तो आप ये देखिए यहाँ पर मेटल के किस तरह से रॉड्स जो है वो लगाए गए हैं। ये स्टेबिलिटी के लिए है ताकि ये जो कनेक्टिविटी कनेक्ट होता है मिडिल बर्थ से ऊपर का बर्थ उसके लिए आप देखिए किस तरह से पहले चेन होती थी लोहे की लेकिन अब ये देखिए किस तरह से मेटल के ये रॉड्स है। जैसे आप इसको आप ये देखिए ये है, आप इसको इस तरह से करते हैं तो ये रॉड्स जो है ये निकल जाते हैं काफी आसान तरीके से और इस तरह से आप नीचे के बर्थ को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यानी ये एक बड़ा बदलाव इसमें देखा जा रहा है। इसके साथ ही अगर आप स्टेयर्स की बात करें तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो स्टेयर्स में किस तरह से चेंजेस किए गए हैं। पहले आप देखिए यहां पर काफी ज्यादा आसान तरीके से, आरामदायक तरीके से, सुविधाओं के साथ आप देखिए अगर कोई यात्री दूसरे बर्थ पे ऊपर की तरफ जाना चाहता है तो वो इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकता है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि आखिरकार ट्रेन में यात्री कैसे ज्यादा, कितना ज्यादा, कैसा एक्सपीरियंस उसका रहने वाला है। तो आप देखिए कि जो जानकारी अब मैं चाहूंगी कि किस तरह से यहां पर स्क्रीन्स लगाए गए हैं यात्रियों के लिए कि किस तरह से आप देखिए यहां पर कोच के दोनों तरफ इस तरह से स्क्रीन जो है वो नजर आएंगी। जो यात्री इसमें सफर कर रहे हैं उनको समय समय पर इस बात की जानकारी मिलती रहेगी कि अगला स्टेशन कौन सा है, कितने किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन चल रही है और कितना और वक्त लग जाएगा। तो यानी पूरी जानकारी यहां पर मिलेगी। अब सीसीटीवी कैमरे की सुविधा हम आपको दिखाते हैं कि हर कोचेज में 2 से 3 सीसीटीवी कैमरे जो है वो देखने को मिलेंगे। इस वक्त आप देखिए कोच में किस तरह से यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा आपको बीच में देखने को मिल रहा है। आप एंट्री करते हैं तो 2 सीसीटीवी कैमरे हर कोच में होंगे। इसके साथ ही अगर आप अंदर की तरफ आते हैं तो 1 सीसीटीवी कैमरा। अब आप ये देखिए कि जो लाइट्स है एलईडी लाइट्स की तरह आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी। इसके वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में पेंट्री की भी खास व्यवस्था है। पेंट्री में काम करने वाले लोगों के लिए आराम के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही पेंट्री में साफ सफाई के मद्देनजर भी खास व्यवस्था की गई है। ये जो आप बेड्स देख रहे हैं, अगर बात करें सबसे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि ये जो बेड्स आप देख रहे हैं ये उन अटेंडेंट के लिए है जो ट्रेन में आपकी मदद के लिए होते हैं, जो आपको हेल्प करने के लिए होते हैं उनके लिए। इस बार आप देखिए किस तरह से अलग से बेड तैयार किए गए हैं। हर कोच में 2 से 3 अटेंडेंट होते हैं। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमें कई सारे यहाँ पर आप देखिए ये जो अलमेरा टाइप का आपको नजर आ रहा है ये लगेज रखने के लिए होगा, स्टोरेज के लिए होगा। इसके साथ ही दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से पेंट्री का एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो यहाँ पर किस तरह से होगा। अगर बात करें वंदे भारत स्लीपर में, सर जरा हमें बताइए कि पेंट्री किस तरह से अलग है और ट्रेनों से और इसमें क्या क्या नई चीजें हैं।
इस वंदे भारत स्लीपर कार में जो है सारे बहुत सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किया गया है पैसेंजर्स की सुविधा के लिए। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आइए देखिए, यहाँ पे ओवन प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे जो भी फूड सप्लाई होगा यहाँ पे हीट करके पैसेंजर्स को डिस्ट्रीब्यूशन पे के लिए जो भी चाहिए, ये हॉट ओवन है पूरा, इस पे गरम करके गरम गरम फूड किया है जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पैसेंजर्स के लिए। और ऐसे हम ये भी सिमिलर टाइप ऑफ ओवन ही है, जैसे गरम फूड गरम करने के लिए ये सुविधाएं प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉटल कूलर प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे जूस होगा वाटर होगा वो ठंडा करने के लिए जो भी चाहिए वो पूरा दो यूनिट प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे। और एक एडिशनल फीचर ये है कि यहाँ पे डीप फ्रीजर करके एक छोटा सा कंपार्टमेंट दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आइसक्रीम कप्स रखने के लिए या जो भी डेजर्ट जो भी चाहिए वो यहाँ रख सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बॉयलर भी प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे, किसी को अगर गर्म पानी चाहिए तो। और एक ऑप्शन यहाँ पे एडवांस क्या है ना, पूरी आरओ वाटर का आरओ यूनिट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। पूरी आरओ वाटर से 100% प्यूरिफाइड पानी यहाँ पे बॉयलर में जाता है, बॉयलर में जाके यहाँ पे ठंडा पानी और गर्म पानी के दोनों के लिए भी सुविधा प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे। आपके पीछे यहाँ पे देख सकते हैं ये है गार्बेज कॉम्पैक्टर, यहाँ पे ये गार्बेज कॉम्पैक्टर जो है कम्प्लीटली ऑटोमेटिक है। आप देख सकते हैं सिर्फ सेंसर से ही वो, तो देखिए कि अगर किसी को गार्बेज के लिए इसका इस्तेमाल करना है तो ये सेंसर से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये इजीली अगर सिर्फ हाथ हिलाने से ही ये खुलता है और डायरेक्टली क्या है ना जो भी आप जैसे आप यहाँ पे हाथ दिखाएंगे ये खुल जाएगा। इसमें आप अपना गार्बेज जो कचरा है वो डाल सकते हैं, जो कचरा है वो इसमें डालिए और ये देखिए सेंसर से ही ये खुलता है और ये अपने आप ही। नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के किराए की बात करें तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके किराए को लेकर कहा था कि इसका किराया बहुत ज्यादा नहीं होगा। अब बात आती है कि आखिरकार किराया कितना होगा, क्योंकि लोगों को जानना है कि क्या ये बहुत ज्यादा महंगा होगा। तो हम आपको बता दें कि रेल मंत्री ने इस बात को कहा है कि जिस तरह से राजधानी जो चल रही है उसका फेयर होता है, उसी तरह से वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस का भी फेयर होने वाला है। यानी मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज्यादा महंगा नहीं होगा। इसके साथ ही हम आपको दूसरी तस्वीर भी दिखा देते हैं कि जैसे जैसे आप बाहर की तरफ बढ़ते हैं इसी तरह की जो सुविधाएं हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। और इसी तरह से यहां पर सीट्स हमने आपको दिखाई, किस तरह से स्टेयर्स हैं जो ऊपर जा सकते हैं आप। और आप ये देखिए, आप जैसे बाहर निकलते हैं तो वॉशरूम हम आपको दिखाते हैं कि कितने वॉशरूम हैं यहां पर। हमने आपको दिखाते हैं किस तरह से दो दो वॉशरूम की व्यवस्था एक लाइन में की गई है। पहले के जो कोचेज होते थे आमने सामने वॉशरूम्स होते थे, लेकिन अब अगल बगल में दो वॉशरूम यानी एक कंपार्टमेंट में आपको तीन से चार वॉशरूम जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। अब बात करते हैं वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के ड्राइवर केबिन की, जहाँ कई खास इंतजाम किए गए। इसके साथ ही लोको पायलट के आराम के लिए भी कई सुविधाओं को जोड़ा गया है। वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस के इस वक्त हम ड्राइवर्स केबिन में मौजूद हैं और इस केबिन की अगर बात करें तो इसमें भी काफी नई चीजें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। अगर बात करें तो आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि आखिरकार ड्राइवर केबिन कहाँ होता है और कहाँ बैठकर ड्राइवर जो है वो ट्रेन के ऑपरेशंस को और मेंटेनेंस को देखते हैं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर दो जो है चेयर्स आपको नजर आ रही होंगी, दो लोको पायलट्स होते हैं, एक जो होता है वो ऑपरेशनल मोड के लिए होता है और दूसरा मेंटेनेंस मोड के लिए होता है। आप यहाँ देखिए सारे सिस्टम आपको नजर आ रहे होंगे और यहीं पर बैठ के तमाम सारी चीजों को मॉनिटर किया जाता है। अब लोको पायलट्स के लिए इस ट्रेन में क्या सुविधाएं हैं, क्योंकि अक्सर ये शिकायत सामने आती है कि लोको पायलट को आराम नहीं मिल पाता है, उनके लिए टॉयलेट्स नहीं होते हैं। लेकिन वंदे भारत की अगर बात करें, स्लीपर वर्जन की बात करें, तो आप देखिए कि किस तरह से यहां पर भी सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो आपको ड्राइवर केबिन में देखने को मिलेंगे। और अब आराम की अगर बात करते हैं तो ड्राइवर्स के लिए लोको पायलट्स के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, तो जैसे जैसे हम यहां पर अंदर की तरफ आते हैं तो आप ये देखिए कि किस तरह से यहां पर ड्राइवर्स के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं हैं उनके आराम के लिए। लोको पायलट्स जो तमाम गार्ड होते हैं ट्रेन में उनके लिए यहां पर आप देखिए बेड्स की व्यवस्था की गई है। यहां पर जो आप देखिए किस तरह से यहां पर तीन सीट है और इस तरफ भी तीन जो सीटें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी।